सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 17 चुनाव प्रक्रिया कब क्या व कैसे इसको पढ़ेंगे। इस पाठ में चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। विधानसभा और लोकसभा के लिए होने वाले चुनावों में वही व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है जो 18 वर्ष का हो गया हो। वह अपने मत का प्रयोग करने के लिए उसे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए एक निश्चित प्रपत्र को भरकर अपने क्षेत्र के बीएलओ कौन होता है, बूथ लेवल अधिकारी, उसको जमा करवाना पड़ता है। बूथ लेवल ऑफिसर, ओ से ऑफिसर, तो उसको जमा करवाना पड़ता है। उस भरे प्रपत्र से उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाता है। मतदाता सूची में उसका नाम जुड़ जाने के बाद वह मतदान करने का अधिकारी बन जाता है और चुनाव के समय वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को चुनने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। मतदान प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है और प्रत्येक मताधिकारी को इस प्रक्रिया में देश हित की सोच के साथ कि जो भी हम जिसे भी चुनेंगे अपने वो हमारे देश की भलाई के लिए चुनेंगे, है ना, तो देश हित की सोच के साथ भाग लेना चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं चुनाव प्रक्रिया कब क्या व कैसे। बालकोनी में दादाजी मूढ़े पर बैठे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। दीपक बाहर खेल रहा है। कुछ लोग फाटक खोलकर बंगले में प्रवेश करते हैं। तभी दीपक दौड़ता हुआ आता है। देखो दादाजी, इतने सारे लोग आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं। अब दादाजी क्या कहते हैं, बेटा अगले माह विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं ना, इसीलिए चर्चा करने आ रहे हैं। दादाजी क्या कहते हैं कि अगले महीने विधानसभा के चुनाव हैं, तो उसी के बारे में चर्चा करने के लिए ये लोग जो हैं वो आ रहे हैं। दीपक, दादाजी ये चुनाव क्या होते हैं। दादाजी क्या कहते हैं, बेटा चुनाव में जनता अपना मत देकर यानी अपना वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनती है। दीपक, प्रतिनिधि, अच्छा प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं। अब दीपक क्या पूछ रहा है कि प्रतिनिधि को कैसे चुनते हैं। दादाजी क्या कहते हैं, बेटा आप अभी छोटे हो, जब आप 18 वर्ष के हो जाओगे तब आपको जानने की ज़रूरत है। अभी आप छोटे हो, अभी आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आप स्कूल जाओ। दीपक, बताओ ना दादाजी। दादाजी, अभी आप स्कूल जाओ, आपके स्कूल का समय हो गया है। दादाजी से टालती हैं, है ना, कि लोगों से मिलना है उनको, इसलिए उसको टालते हैं कि तुम अपने स्कूल जाओ। इसी बीच सभी लोग दादाजी के पास आ जाते हैं तथा दीपक स्कूल के लिए रवाना हो जाता है। दीपक विद्यालय में अपने गुरुजी से, अब बच्चों को कुछ भी पूछना हो अगर उन्हें उस बारे में घर पे नहीं बताया जाता है, कैसे भी टाल मटाल किया तो किससे पूछती हैं, अपनी जिज्ञासा को कैसे शांत करती हैं, अपने गुरुजी से पूछकर, अपने अध्यापकों से पूछकर। तो वो दीपक भी अपने अध्यापक से पूछता है, गुरुजी मुझे बताइए ना कि चुनाव क्या हैं और ये कैसे होते हैं। क्या पूछता है, अब उसके मन में उत्सुकता थी कि चुनाव क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, तो वही प्रश्न जो है वो गुरुजी से पूछता है कि आप मुझे बताइए कि चुनाव क्या हैं और ये कैसे होते हैं। गुरुजी, हाँ आज दीपक ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, मैं आप सभी को चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताता हूँ। अब गुरु जी क्या कहते हैं कि दीपक ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, आज मैं सारी क्लास को क्या बताऊँगा, चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताऊँगा कि चुनाव क्या है, ये कैसे होते हैं, कब होते हैं और कौन जो है मतलब ना वोट जो है वो दे सकता है। लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्या कह रहे हैं गुरुजी कि लोकतंत्र में, लोकतंत्र यानी लोगों का शासन, जहाँ पे शासन किसके हाथ में है, लोगों के हाथ में, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार जो है वो ही ऊपर बैठती है ना, उसी का जो मेन है वो प्रधान बनता है, तो लोगों का शासन हो गया, है ना। तो लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी जनता अपना वोट देकर जिसे चुनती है ना, वही क्या बनता है,
वही उसकी उसी की सरकार बनती है। गुरुजी लोकतंत्र क्या होता है, अब बच्चे क्या पूछ रहे हैं, लोकतंत्र क्या होता है ये भी हमें बताइए। हाँ हाँ आपको सब बताता हूँ। हमारे देश में एक निश्चित प्रक्रिया के तहत सरकार चुनी जनता द्वारा चुनी जाती है, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। एक निश्चित प्रक्रिया होती है जिसके तहत जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। अब शालू क्या पूछती है, ये निश्चित प्रक्रिया क्या होती है, क्या पूछती है गुरुजी, ये निश्चित प्रक्रिया क्या होती है। गुरुजी इस निश्चित प्रक्रिया को ही चुनाव कहते हैं कि जनता अपना वोट देती है और जिसमें वो अपने प्रतिनिधि अपने मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है। क्या कहते हैं इसको, चुनाव। अपन कहते हैं ना वोट आ गए, क्या आ गए यानी चुनाव आ गए। और चुनाव कैसे होते हैं, एक निश्चित प्रक्रिया के तहत जनता अपना मतदान देकर अपने प्रतिनिधि को चुनती है। ये प्रतिनिधि कौन होते हैं, हमने यहाँ क्या पूछती है कि ये प्रतिनिधि कौन होते हैं। ये चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं जो लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब गुरुजी क्या कह रहे हैं, चुनाव प्रतिनिधि कौन होती हैं, ये चुनाव प्रक्रिया द्वारा, ये लोग जब चुनाव प्रक्रिया द्वारा यानी लोग अपना वोट देते हैं और जिस प्रतिनिधि को वो सरकार जिस प्रतिनिधि की वो सरकार बनाना चाहते हैं यानी सरकार में ऊपर भेजना चाहते हैं उसी को वो वोट देते हैं ना, तो चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुने गए सदस्य, किसके द्वारा चुने गए सदस्य, जनता के द्वारा, जो लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जैसे हम कोई बात कहनी होती है ना अपनी क्लास में, जैसे हमने अपनी प्रधानाध्यापिका जी से कोई बात करनी है तो हम अपनी क्लास में सभी बच्चों में से एक हेडअप चुन के भेजते हैं ना कि वो जाके हमारा जो पक्ष है वो प्रधानाध्यापिका तक रखेगा। उसी प्रकार से चुनावों में भी जिसे हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं वो हमारी समस्याओं को आगे ऊपर सरकार तक पहुँचाता है। यानी जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन तक हमारी समस्याओं को पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारे द्वारा चुना गया हमारा प्रतिनिधि। तो ये कौन चुनते हैं, ये लोग चुनते हैं जिसे वो अपने किसके द्वारा चुनते हैं, अपना वोट देकर। अब निशा क्या पूछ रही है, गुरुजी क्या मैं भी चुनाव लड़ सकती हूँ। गुरुजी नहीं, चुनाव राजनीतिक दल के माध्यम से या फिर स्वयं निर्दलीय, क्या कह रही हैं, चुनाव राजनीतिक दल के माध्यम से या फिर स्वयं निर्दलीय प्रतिनिधि के रूप में लड़ सकते हैं। लड़ तो सकती हैं, स्वयं निर्दलीय भी लड़ सकते हैं और किसी राजनीतिक दल के माध्यम से भी लड़ सकते हैं, परंतु उसकी एक निश्चित आयु निर्धारित होती है। आपको यह जानकारी तो होगी ही कि वोट देने की न्यूनतम आयु भी 18 वर्ष निर्धारित है। यानी चुनाव लड़ने के लिए जो भी चुनाव लड़ता है तो उसकी भी एक निश्चित आयु होती है और जो वोट देता है जनता, जो जनता वोट दे सकती है उसकी भी एक निश्चित आयु होती है 18 वर्ष, क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु का जो व्यक्ति है वो वोट नहीं दे सकता। उसे बच्चा माना जाता है कि उसे अभी इतनी समझ नहीं है कि मैं अपना प्रतिनिधि किसे चुनूँ, है ना। तो 18 वर्ष के बाद बच्चों को समझ आ जाती है, वो बड़े हो जाते हैं, वयस्क माने जाते हैं तो वो वोट दे सकते हैं। दीपक जब मैं 18 वर्ष का हो जाऊंगा तब क्या मैं भी वोट दे सकता हूँ। गुरुजी हाँ आप वोट देने जा सकोगे, परंतु इससे पूर्व आपको वयस्क मताधिकार हेतु मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना होगा। यानी कि जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो ये नहीं है कि हम सीधा वोट डालने चले जाएँ कि मैं 18 साल का हो गया। क्या करना पड़ता है, पहले मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना पड़ता है। अब दीपक क्या पूछ रहा है, ये वयस्क मताधिकार और मतदाता सूची क्या है, क्या पूछ रहा है कि ये वयस्क मताधिकार और मतदाता सूची क्या है। गुरुजी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार वयस्क मताधिकार कहलाता है। यानी जो व्यक्ति 18 वर्ष का है या उससे अधिक आयु का है, ऐसा नागरिक चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है चाहे किसी भी जाति का है, बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर के हो गए हैं या 18 साल के हैं वो मत दे सकते हैं। इसी अधिकार को वयस्क मताधिकार कहते हैं। और जिस सूची में मतदाताओं के नाम होते हैं
उसे मतदाता सूची कहते हैं। मतदाता सूची किसे कहते हैं? जिस सूची में मतदाताओं के नाम होते हैं उसे मतदाता सूची कहते हैं। और मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र भरना पड़ता है। अब एक निश्चित प्रपत्र होता है, उसे भरना पड़ता है, तभी मतदाता सूची में नाम दर्ज होता है। दीपक, गुरुजी मतदाता सूची में नाम कौन दर्ज करता है? अब कौन करता है कि मैं किसके पास जाऊं कि मतदाता सूची में नाम दर्ज हो, जब हम 18 साल के हो जाएंगे किसके पास जाएं? तो गुरुजी क्या बताते हैं, यह कार्य BLO बूथ लेवल अधिकारी, BLO बूथ लेवल ऑफिसर उसके द्वारा किया जाता है। यह स्थानीय सरकारी कर्मचारी होता है जो चुनाव आयोग का प्रतिनिधि होता है। ये कोई भी सरकारी कर्मचारी हो सकता है जो जिसे चुनाव आयोग ने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा हो। तो हर वार्ड का अपना अपना एक BLO होता है जो उस वार्ड के सदस्यों में के नाम लिखने का और काटने का काम करता है। काटने का किनका? जो किसी अन्यत्र वार्ड में चले गए हैं, है ना, या किसी अन्य शहर में चले गए हैं, या किसी की मृत्यु हो गई है तो उसको मतदाता सूची से हटाने का काम, और जो 18 साल के हो गए हैं उनको मतदाता सूची में जोड़ने का काम जो है वो कौन करता है? BLO करता है। दीपक, अच्छा है, तब तो मैं भी 18 वर्ष का होते ही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा कर राष्ट्रहित में मतदान अवश्य करूँगा कि मैं अपने देश की भलाई के लिए अपना मतदान अवश्य करूँगा। हाँ हाँ, सभी बालक क्या कहते हैं? हाँ हाँ, हम भी मतदान अवश्य करेंगे। तो सभी बालक एक साथ कहते हैं कि हम सब भी मतदान करेंगे। लोकतंत्र क्या होते हैं बेटा? अब देखो, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। यानी जनता का जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को ही लोकतंत्र कहते हैं। कुल मिलाकर यही बात होगी, लोगों का शासन, है ना, जो लोग अपनी सरकार को चुनते हैं उसे ही लोकतंत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज आपने चुनाव प्रक्रिया के बारे में पूरा पढ़ा कि चुनाव कैसे होते हैं, कब होती हैं और चुनाव प्रक्रिया है क्या। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।